कोविड के खिलाफ जंग में आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत में हमने 34 दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा डोजेस अपने हेल्थ वर्कर्स को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को देने में सफलता प्राप्त की है। ये दुनिया की सेकेंड फास्टेस्ट कोविड वैक्सीनेशन है। इसके लिए देश में 2.11 लाख सेशंस ऑर्गेनाइज हुए, 65 लाख से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स को फर्स्ट डोज दी गई, 6 लाख से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स को सेकेंड डोज भी दी गई और 33 लाख से ज़्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को फर्स्ट डोज दी जा चुकी है। अभी तक ये पूरी तरह से सिद्ध हो गया है कि जो ड्रग कंट्रोलर ने अप्रूवल दिया 2 कोविड वैक्सीन्स को, वो 1 करोड़ से ज़्यादा डोजेस देश के लोगों को लग चुकी हैं। और मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि ये पूरी तरह से सेफ भी हैं और इम्यूनोजेनेसिटी के पैरामीटर्स पर भी खरी उतरती हैं। सारे देश भर में कोई भी एडवर्स इवेंट, जिसको हम कहते हैं कि सीरियस या सेवियर एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, नहीं हुआ। और जो हुए भी हैं साधारण, उनकी संख्या 0.0004% है केवल। 13 फरवरी को हमने सेकेंड डोज भी अपने हेल्थ वर्कर्स को देना प्रारंभ किया। सारे देश में एक भी मृत्यु कोविड के वैक्सीनेशन के कारण आज तक नहीं हुई है। अब सारे देश की सभी सरकारों को हमने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि 20 फरवरी से पहले प्रयास करके सभी बचे हुए हेल्थ वर्कर्स को कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके वैक्सीनेशन के लिए हम समय सुनिश्चित करें, और उसके बाद 5 दिन यानी 25 फरवरी तक मॉप अप राउंड करके ये प्रयास करें कि कोई भी हेल्थ वर्कर देश में वैक्सीनेशन से वंचित ना रहे। इसी प्रकार फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए 1 मार्च तक सारे देश में सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को उनके सेशंस को शेड्यूल किया जाए, और फिर 1 मार्च के बाद अधिकतम 6 मार्च तक उनके मॉपअप राउंड के माध्यम से 100% वैक्सीनेशंस की तैयारी की जाए। मेरा आज के इस अवसर पर उन सब मेडिकल प्रोफेशनल्स से, डॉक्टर्स से, नर्सेस थे, पैरामेडिक्स से, फ्रंटलाइन वर्कर्स से जिन्होंने सर्वेलेंस में काम किया, कंटेनमेंट जोन्स में काम किया, जिन्होंने अपनी लाइफ को खतरे में डाला, सबसे ज़्यादा जिनको रिस्क था कोविड के खिलाफ अस्पताल में लड़ाई को लड़ने में प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को निभाते हुए, और जिनको इस वैक्सीनेशन के लिए सबसे आगे प्रायोरिटाइज किया गया था, और जो बहुत बड़ी संख्या के अंदर हमारे हेल्थ वर्कर्स हम सबके प्राणों की रक्षा करते हुए अपने प्राण भी जिन्होंने गंवाए, ऐसे हेल्थ वर्कर्स के प्रति पूरा देश कृतज्ञ है। वी आर ग्रेटफुल टू देम ऑन बिहाफ ऑफ द नेशन। आई पर्सनली फील प्राउड ऑफ माई मेडिकल फ्रेटर्निटी एंड ऑल द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स।
द नेशन फील्स इंडेप्टेड टू देम। और हम ये अपील के माध्यम से उन सब से ये कहना चाहते हैं कि जिन भी हमारे हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने अपना वैक्सीनेशन अभी तक नहीं लिया है, ये पूरी तरह से सेफ है। हम किसी भी प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन, र्यूमर्स या नेगेटिव मैसेज का शिकार ना हो और ये सुनिश्चित करें कि हमें ये वैक्सीनेशन जो समय सीमा निश्चित की गई है उसमें मिल जाए। अगले कुछ दिन हेल्थ वर्कर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स सब लोग कोशिश करके 25 तारीख से पहले पहले जब मॉप अप राउंड समाप्त होगा अपने आप को वैक्सीनेट करा लें। और इसी प्रकार से फ्रंटलाइन वर्कर्स भी 6 मार्च के मॉप अप राउंड से पहले पहले अपने आप को वैक्सीनेट करा लें। आपके प्राणों की सुरक्षा और रक्षा ये सारे देश की जिम्मेदारी है और इसीलिए आपके वैक्सीनेशन को प्रायोरिटाइज सरकार ने किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मेरी इस अपील को सभी हेल्थ वर्कर्स और सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स पूरी गहराई और गंभीरता से लेकर अपना वैक्सीनेशन अगर आज तक नहीं हुआ है तो उसको तुरंत करवाएंगे।